नमस्कार। कंगना रनौत की बात हो और किसी विवाद का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाल ही में कंगना ने देश की आजादी पर कुछ ऐसा विवादित बोल दिया कि हर तरफ हंगामा मच गया। कंगना का ये कहना कि 1947 में आजादी नहीं भीख मिली थी और असली आजादी तो 2014 में मिली है, उनकी ये बातें सुनकर हर किसी को गुस्सा आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को खूब ट्रोल किया जा रहा है। कोई कंगना को उनके पद्मश्री को वापस लेने की सरकार से मांग कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि कंगना को देशद्रोह के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी कंगना के इस विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक्ट्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें संडरास बता दिया है। दरअसल कुणाल कामरा ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें फिल्म हेराफेरी का एक सीन दिखाया गया है। वीडियो में परेश रावल सुनील शेट्टी को शौचालय के पास लाते हैं और जैसे ही उसे खोलते हैं उसके बाद कंगना रनौत दिखने लगती है। वीडियो में कंगना के आजादी पर दिए गए विवादित बयान को दिखाया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कामरा ने लिखा, नाउ हु डिड दिस। कुणाल कामरा ने अपनी इस पोस्ट के जरिए कंगना की तुलना संडरास से कर दी है। कुणाल कामरा यही नहीं रुके, कंगना पर कटाक्ष करने के लिए उन्होंने एक और ट्वीट किया, कंगना इज राइट, इंडिया डिड गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन सेंस एंड रेशनल थिंकिंग इन 2014। बता दें कंगना लगातार इस बयान के बाद ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। इसी बीच उन्होंने खुद एक पोस्ट शेयर कर कह दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कंगना ने पोस्ट शेयर कहा कि 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर ने हिस्सा लिया था, लेकिन 1947 में आजादी के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया था मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई मुझे इस बारे में जानकारी दे दे तो मैं माफी तो मांगूंगी ही, साथ ही साथ पद्मश्री भी लौटा दूंगी। बताते चले हाल ही में कंगना को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था जिसके बाद ही उन्होंने आजादी पर विवादित बयान दिया था। खैर, देखने वाली बात अब यह होगी कि कुणाल कामरा के इस कटाक्ष पर कंगना किस तरह से रिएक्ट करती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।